हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 22 तारीख है और आज अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का मंदिर का इनोग्रेशन है। तो आज हम इसी पे एक सोशल मीडिया विश पोस्ट डिजाइन करेंगे, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में, मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 108 GB, हाइट सेम है 70 रेजोल्यूशन है, कलर मोड 8 GB और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा। अब मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं, तो ये मैंने AI से क्रिएट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के। तो दोस्तों मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पैच टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो हैंड है इसे हमें रिमूव करना है। तो इस तरह मैं यहाँ से पैच टूल को इस तरह मैं ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ से इस तरह मैं इसे मर्ज कर लूँगा, तो इसका चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसे रेस्टराइज कर लेता हूँ और यहाँ से इस तरह, और यहाँ से जाऊँगा मैं एडिट में और यहाँ से जाऊँगा फिल में और यहाँ से जाऊँगा कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। तो इस थोड़ा समय लगेगा इसे रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे इसने रिमूव कर लिया। अब इसे प्रॉपर रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे पैच टूल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस टूल को यूज़ करूँगा क्लोन को और यहाँ पर मैं इस तरह अल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कलर पिक कर लूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं अल्ट से इस तरह मैं कलर यहाँ से पिक करके इस तरह मैं प्रॉपर इसे मर्ज कर लूँगा इस तरह, और यहाँ से इस कलर को पिक करके यहाँ पर इस तरह मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड में मर्ज हो, और यहाँ से इस तरह में जैसे यहाँ से कलर पिक करके इस तरह में मर्ज कर लूँगा, कंट्रोल डी करके से डिलीट कर लूँगा और यहाँ से इस तरह अल्ट प्रेस करके इसे प्रॉपर से मर्ज कर लूँगा मैं इस तरह। थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही कम हो गया ये, तो इस तरह मैं इसे रिमूव कर लूँगा और इस तरह अंडू करूँगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, यहाँ पर अल्ट प्रेस करके इस तरह मैं रिमूव कर लूँगा। तो इसी करके मैं राइट साइड का भी रिमूव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेता हूँ ताकि हमें डिज़ाइन में देरी ना हो, तो मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है। यहाँ पे मोटूल सेलेक्ट करूँगा, अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा, यहाँ पर इस तरह ऊपर की तरफ रखूँगा, थोड़ा सा नीचे रखूँगा मैं, और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कलर ये चाहिए, यहाँ पर वाइट दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट में और यहाँ से फिल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कंटेंट एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करूँगा, तो यहाँ पे ये कलर थोड़ा फिल कर लेगा। कंट्रोल डी करके मैं इसे डिलीट कर लूँगा और यहाँ पे भी इस तरह मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा मैं कंटेनर अवेयर को यूज़ करने के लिए, यहाँ पे शिफ्ट और F5 की प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके करूँगा और यहाँ पर भी इसी तरह मैं यूज़ करूँगा, शिफ्ट F5 को प्रेस करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पर ये कलर फिल कर लेगा और यहाँ पर भी नीचे फिल कर लेते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इमेज हाइड कर लेगा इसे, और ओके करूँगा मैं तो यहाँ पे इस ये भी फिल करने का थोड़ा। तो ये हमारा इमेज प्रॉपर हो गया दोस्तों। Ctrl 0 तक मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, अंदर जाऊँगा फिर से यहाँ पर और यहाँ पे मैं एक इमेज रखा हुआ राम मंदिर का और इसे डायरेक्ट यहाँ पे ला कर रख लूँगा। Ctrl T करूँगा और यहाँ से इस तरह मैं छोटा कर लूँगा इसे। इसे मैंने ऑलरेडी मास्किंग कर लिया है ताकि हमें डिजाइन में देरी ना हो, तो आप भी कर लीजिएगा। इस तरह मैं इसे एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा और इंटर करूँगा, थोड़ा सा और नीचे ले लूँगा मैं, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इमेज से डिलीट कर लूँगा मैं यहाँ पे ब्रश, और यहाँ पे जाकर हार्ड ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टॉप पे ब्लैक कलर रखूँगा और यहाँ पे इस तरह इसे रिमूव कर लूँगा इस तरह नीचे की तरफ जाके, और इसे भी इस तरह मैं रिमूव कर लूँगा। मोटूल को सिलेक्ट करूँगा, अब मैं थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ इसे बढ़ा लूँगा ताकि एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ दिखे ना। Ctrl 0 करके मैं डिज़ाइन पर आऊँगा, तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा एडिट में और यहाँ से जाऊँगा स्काई रिप्लेसमेंट को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये स्काई को ये रिप्लेस कर लेगा, ये थोड़ा समय लेगा इसे रिप्लेस करने के लिए। तो इसने स्काई को रिप्लेस कर लिया, अब मैं यहाँ पे ओके कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने एक इफेक्ट रखा हुआ है, इस इफेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह ड्रैग करके यहाँ पर रख लूँगा और ये इसमें मर्ज हो गया, तो इसे ड्रैग करके मैं यहाँ पर इस तरह ऊपर की तरफ रख लूँगा इमेज के पीछे। Ctrl T करके इसे इस तरह मैं लेफ्ट साइड में ड्रैग करके छोटा कर लूँगा और यहाँ मंदिर के पीछे से इस तरह पोजीशन दे दूँगा, बड़ा लग रहा है, इस तरह मैं थोड़ा लेफ्ट राइट से बड़ा कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा, मीटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा नॉर्मल में और यहाँ से इस इफेक्ट रख लूँगा हार्ड लाइट को, ओके करूँगा, थोड़ा सा और ऊपर ले लूँगा इस लाइट को इस तरह, तो ये डिजाइन में कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सॉरी एलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक सर्कल इस तरह मैं ड्रॉ कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। अब मैं जाऊँगा कलर बॉक्स पे और यहाँ पे एक कलर चूज़ कर लूँगा, यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा ऑफ, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा तो आप ऑफ कर लीजिएगा, और यहाँ पर इसे ड्रैग करके इमेज के ऊपर ले लूँगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा। Ctrl T करके मैं इसे इस तरह थोड़ा बड़ा कर लूँगा, इंटर कर लूँगा,
अब मैं क्या करूँगा, इसे का डुप्लीकेट लिखा लूँगा और यहाँ पे इस तरह रख लूँगा अल्ट प्रेस करके। इस तरह मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा ऊपर लूँगा इस तरह मैं, और यहाँ पे कंट्रोल ई करके से मर्ज कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे, इंटर करूँगा। अब इस टेक्स्ट को मैं इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा, थोड़ा सा इस मंदिर को ऊपर की तरफ ले लूँगा मैं इस तरह, तंतु जी पर मैं डिज़ाइन पाऊँगा, और थोड़ा सा इसे भी नीचे ले लेता हूँ इस तरह। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह दिखा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करके डिज़ाइन को कंबाइन कर लूँगा। मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से रखूँगा ऑटो कॉन्ट्रास्ट और इसे सेलेक्ट करूँगा, तो थोड़ा सा ये इफेक्ट क्रिएट कर लेगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा एडजस्टमेंट में और यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसे इसका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ से वाइब्रेंस में ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से इसका गामा थोड़ा बढ़ाऊँगा और यहाँ से एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाऊँगा इसका, और थोड़ा सा ऑफसेट इसका बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा कलर बैलेंस में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं येलो को माइनस करूँगा, ब्लू की तरफ रखूँगा, थोड़ा ब्लू कर लूँगा और यहाँ पर थोड़ा रेड कर लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से किस्में में जाके यहाँ से जाऊँगा ब्राइटनेस में और यहाँ से थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा और ब्राइटनेस भी थोड़ा बढ़ाऊँगा, कम कर देता हूँ थोड़ा, और ओके करूँगा। तो फाइन दोस्तों, ये जान हमारा रेडी होगा सोशल मीडिया रील्स पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये जान बहुत ही सिंपल और यूनिक है, इसे ज़रूर बनाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।